हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग उत्तराखंड का सेशन देखेंगे जिसमें हम गोरखा शासन उत्तराखंड में देखेंगे। और ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, मतलब कि दो क्लासेज में हम गोरखा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने यहाँ पे उत्तराखंड में, मतलब कुमाऊँ और गढ़वाल में जो उनका शासन था, साथ साथ ही यहाँ पे जो टिहरी रियासत में आपका जो शासन कर रहा था पवार राजवंश, उसको कंप्लीट करेंगे हम कहाँ तक, स्वतंत्रता संग्राम तक। ठीक है, वो हम उत्तराखंड के अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में क्या है, हमारा गोरखा शासन है। ठीक, तो आज हम उसको शुरू करते हैं। इससे पहले जो मैं कल वीडियो लेके आया था वो पॉलिटी का वीडियो था, उसमें एक अपडेट छूट गया था, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि मैं उसको अपडेट नहीं कर सका। ठीक है, मैंने बताया था कि यूटी जो है संघ शासित प्रदेश, उनका नंबर मैंने 9 बताया था। ठीक, आप इसको क्या कर देना, 8 कर देना। ठीक है, देखो जब जम्मू कश्मीर विधेयक आया था पुनर्गठन, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटीज बनाए गए थे, यानी पहले 7 थे। तो जम्मू कश्मीर को जब राज्य से हटा के उसको यूटी बनाया गया तो उसके साथ जम्मू कश्मीर 1 और दूसरा कौन सा, लद्दाख 2, यानी ये टोटल मिलके कितने बन गए थे, 9। लेकिन इस बार 2020 में 26 जनवरी 2020 को सरकार ने क्या किया, जो दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव है, पहले अलग अलग हुआ करते थे दादर एंड नागर हवेली और दमन और द्वीप, ठीक है, उन दोनों को एक करके क्या कर दिया, एक ही बना दिया उनको। तो ये एक जो 9 थे वो फिर से कितने हो गए, 8। ठीक है, ये अपडेट छूट गया था, वो मुझे कमेंट पे किसी, शायद मन्नू भट्ट या ममता भट्ट जी हैं कोई, या माही भट्ट, कुछ इस टाइप का उनका नाम था, उन्होंने मुझे बताया, इसके लिए उनका थैंक यू। ठीक है, मैं अपडेट करना भूल गया था उसको। देखो आज हम देखेंगे गोरखा शासन, क्या देखेंगे, गोरखा शासन। अब ये उत्तराखंड में जो गोरखाओं का शासन था, इसका जो टाइम पीरियड है 1719 से 1815, ये जो टाइम पीरियड था ये गोरखाओं के शासन का पीरियड था, कहाँ, उत्तराखंड में। ये वाला जो शासन है गोरखाओं का शासन है वो बोला जाता है गोरख्याली या गोरख्याणी। ठीक है, इसको लिख लेना, क्या बोला जाता है इसको, गोरख्याणी। ठीक है, गोरखाओं का शासन उत्तराखंड में जो था उसको बोला जाता है गोरख्याणी। अब देखो हम लोगों ने इसको देखना है 1790 से 1815 तक। ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्या करना है, हमने 3 पार्ट में देखेंगे, आप क्या करोगे इसको, 3 पार्ट में देखोगे। ठीक है, एक हम देखेंगे गोरखाओं का कहाँ, कुमाऊं में शासन, यानी कुमाऊं में कैसे आए। ठीक है, दूसरा देखेंगे गोरखा पवार यानी गढ़वाल में शासन, यानी गोरखाओं का पवार के साथ संघर्ष। ठीक है, और तीसरा देखेंगे गोरखा और अंग्रेजों का संघर्ष, मतलब ये 3 पार्ट में चलने वाला है, एक कुमाऊं में संघर्ष, एक गढ़वाल में संघर्ष और एक अंग्रेजों के साथ उनका जो संघर्ष था, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नोट कर लेना। ठीक है, देखिए अब सबसे पहला क्या आता है, गोरखाओं ने कैसे कुमाऊं पे शासन किया। ठीक है, फर्स्ट चीज़ देखो, कुमाऊं पे शासन, कुमाऊं पे, ठीक है, क्या आखिर ऐसी कंडीशन रही। अब इससे पहले जब ये शुरू हो, एक आइडिया मैं आपको बताना चाहूँ कि आखिर ये क्या कंडीशंस रही कि गोरखाओं ने यहाँ पे शासन किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो चंद वंश था और जो पवार राजवंश था वो अपने पतन तक पहुंच चुका था, उसके बहुत से राजनीतिक शक्ति खत्म हो चुकी थी, यानी जो शासक था उनका वो शक्तिशाली नहीं रह गया था, राजकोष खत्म हो गया था, क्योंकि लगातार अटैक का उनको सामना करना पड़ा, चाहे गढ़वाल में हो या कुमाऊं पे हो, बाहरी जो अटैक हो रहे थे उससे उनके जो है राजकोष खत्म हो चुका था, और जो सैन्य शक्ति थी वो भी क्या हो गई थी, दोनों राजवंशों की कमजोर पड़ गई थी, यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जब सैन्य शक्तियाँ उनको कमजोर पड़ गई थी, तो इस बात को लेकर गोरखा क्या थे, मतलब एक काली नदी के जो पार का इलाका था गोरखा, उन्हें ये पता था कि वहाँ पे ये कंडीशन हो रही है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा क्या था, देखो राजदरबार था, जैसे दोनों का राजदरबार था, वो दोनों वंश आपस में बैर रखते थे। आपने इतने लंबे टाइम से हम हिस्ट्री पढ़ लें उत्तराखंड की, हमने देखा कि चंद्र राजवंश और पवार राजवंश का आपस में लगातार क्या चलता रहता था, संघर्ष चलता रहता था। जब वो दो शक्तियाँ एक नहीं हो सकी तो कहीं ना कहीं तीसरी शक्ति को ये मौका मिल जाता है कि हम वहाँ पर क्या कर लें, अटैक करके उस इलाके को विजिट कर लें। ठीक है, इसके अलावा दरबार में दोनों के षड्यंत्र थे, दोनों के षड्यंत्र का मतलब क्या है, देखो जैसे चंद्र राजवंश था, मैंने क्या बताया था, हर्षदेव जोशी या जोशी बंधु जो थे, या महरा दल जो था, या फरतयाल दल था,
ये लोग क्या कर रहे थे, दरबार में इनका ज़्यादा प्रभुत्व था, यानी दरबार में इनके द्वारा या इनके विपक्षियों द्वारा आपस में षड्यंत्र होता था, गुटबाजी चलती थी, तथा उनके दरबार में, दोनों राजवंशों के दरबार में विद्रोह भी होते थे। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए गोरखाओं को ये लगा क्यों ना हम उत्तराखंड में यानी कुमाऊं और गढ़वाल पर क्या करें, कब्जा करें। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो राजा था अब वो अयोग्य राजा सिद्ध होने लग गए। जैसे आपने देखा था पहले रुद्रचंद था, शक्तिशाली था, लक्ष्मीचंद थे, या इसके इनके टाइम पर और जो शासक थे चंद्रवंश के, या वैसे ही गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह थे, फतेह शाह थे, महीपति शाह थे, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, लेकिन बाद में समय आते आते जो आने वाले शासक थे वो अयोग्य टाइप के हो गए, यानी एक योग्य शासक की कमी होने के कारण वहाँ पे क्या हो गया, शासन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि दरबार क्या था, गुटबाजी में उलझ गया था, राजा की चलती नहीं थी। ठीक है, इस वजह से भी गोरखाओं को क्या था, राजा की कमजोरी का एहसास था। इसके अलावा क्या हो सकता है, दोनों राज्य आपस में संघर्ष करते थे और दोनों राज्यों में बाहरी आक्रमण होते थे। मैंने दोनों बताया था कि जैसे रोहिला हो गए, सिरमौर हो गया, या तिब्बत से लगातार मतलब उनका संघर्ष पवार राजवंश का है, या सिखों से संघर्ष हो गया, वैसे चंद राजवंश में आपको पता था कटेहरों का जो लगातार लूटपाट होती थी, या जो रोहिलों के द्वारा लूटपाट होती थी, उसके कारण राज्य क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया था। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया आपको जब अभी तक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कंडीशंस वहाँ पे हो सकती थी कि गोरखाओं ने यहाँ पे अटैक किया। अब देखो, सबसे पहले कुमाऊं पे जब अटैक किया उस टाइम क्या होता है, जब मैंने आपको चंद राजवंश पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ा है वो चंद्रवंश मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, वो चंद राजवंश के बारे में सब पढ़ा रखा था। मैंने क्या बताया, कैसे गढ़वाल के शासक को यहाँ लाया गया, उसके बाद यहाँ फिर वो गढ़वाल चला गया, और मोहन चंद, महेंद्र चंद, बहुत सी एक लंबी कहानी मैंने आपको बताई थी। तो जब 1790 के टाइम पे गोरखाओं ने अटैक किया, यहाँ पे जो शासन कर रहा था कुमाऊं में वो था महेंद्र चंद। कौन था, महेंद्र चंद। यानी आपसे अगर पूछता है कुमाऊं पे गोरखाओं के अटैक के समय कुमाऊं में चंद्रवंश का राजा कौन था, आप क्या कहोगे, महेंद्र चंद। ठीक है, और ये कुमाऊं पे जो इनने अटैक किया वो किया था 1790 में। ठीक, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये कैसे हुआ क्या हुआ, मैंने आपको हल्का सा आइडिया था। ठीक है, तो महेंद्र चंद यहाँ पे शासन कर रहा था, अटैक हुआ 1790 में, और ये जो अटैक हुआ इसके पीछे जो मुख्य था वो था हर्षदेव जोशी। यानी जो ये हर्षदेव जोशी था, हर्षदेव जोशी ये क्या था, इस चंद राजवंश में एक प्रकार का मतलब चंद राजवंश से संबंधित था। इसने क्या किया था, गोरखाओं को आमंत्रित किया था कि आप कहाँ अटैक करें, कुमाऊं पे, चंद राजवंश पे, क्योंकि जो महेंद्र चंद था और उसके साथ मैंने आपको बताया था उसका जो भी कोई रिलेटिव था वो, उसने इन लोगों ने क्या किया था, इस हर्षदेव जोशी को यहाँ से निष्कासित कर दिया था, भगा दिया था, और गढ़वाल में इसको शरण लेने पर मजबूर किया, गढ़वाल से भी इसको क्या कर दिया था, भगा दिया गया था, और ये बरेली में जाके क्या कर रहा था, निर्वासित जीवन जी रहा था। बरेली में जाने के बाद इसका जो था, ये चाहता था कि चंद्रवंश में पुनः मैं स्थापित हूँ, या चंद्रवंश में पुनः मैं जाऊँ। ठीक है, तो इसने क्या किया, बरेली जाके, तो ये इसका संपर्क गोरखा नरेश रणबहादुर से था, यानी रणबहादुर शाह उस टाइम कौन था, गोरखाओं का नरेश, यानी जो गोरखा वहाँ पे कर रहे थे शासन का नेपाल में, रणबहादुर। ठीक है, ये जो रणबहादुर शाह था ये कौन था, गोरखा का जो मुख्य लीडर जो नेपाल में बैठता था वो था रणबहादुर। तो ये हर्षदेव जोशी का रणबहादुर शाह से लगातार संपर्क जारी था कि वो कैसे ही चंद्रवंश पे अटैक करे, यानी कुमाऊं पे अटैक करे, और मैं उनकी हेल्प करूंगा। किसकी, रणबहादुर शाह, यानी गोरखों की हेल्प करने की बात कौन करता था, हर्षदेव जोशी। यानी इसी हर्षदेव जोशी ने इस रणबहादुर शाह को आमंत्रित किया कि आप कुमाऊं पे अटैक कीजिए, और इस रणबहादुर शाह ने अपने क्या कर दिए, सेनापतियों को भेज दिया कुमाऊं पे अटैक करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हर्षदेव जोशी घर का भेदी था, जिसने क्या किया, अपने ही मतलब कुमाऊं पे गोरखाओं का आमंत्रित, इसीलिए इसको विभीषण भी बोला जाता है, मतलब कहीं ना कहीं घर का विभीषण था ये। ठीक है, जिसने गोरखों को आमंत्रित किया कि आप यहाँ पे आके अटैक कीजिए। ठीक, इसको विभीषण की संज्ञा भी दी जाती है, या स्वार्थपूर्ण देशद्रोह किया कह सकते हैं आप, इसने क्या किया, स्वार्थपूर्ण देशद्रोह। तो जब इसने इनको बुलाया तो रणबहादुर शाह क्या कर देता है, अपने कुछ सेनापतियों को यहाँ भेज देता है कि आप जाइए और कुमाऊं पे अटैक कीजिए। और वो जब कुमाऊं पे अटैक करते हैं तो 1790 में अल्मोड़ा पे गोरखाओं का क्या हो जाता है, कब्जा। ठीक है, अल्मोड़ा पे क्या हो जाता है, इनका कब्जा, और अल्मोड़ा क्या थी, चंदू की राजधानी थी, आपको पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, तो 1790 पे अल्मोड़ा पे कब्जा हो जाता है। अब देखिए, इतनी जब कहानी थी तो कौन आखिर ऐसे नेता थे, यानी कौन ऐसे लीड वो थे, सॉरी सेनापति थे, या कौन ऐसे सैनिक थे जिन्होंने यहाँ पे इसमें गोरखाओं की ओर से युद्ध किया, यानी गोरखाओं की ओर से लीडरशिप किया, गोरखाओं के जो सैनिक थे वो कौन कौन थे, उनके नाम लिख लीजिए। देखिए, एक तो था अमर सिंह थापा,
अमर सिंह थापा, ठीक है, एक था जगजीत पांडे, जगजीत पांडे, ठीक है, एक था सुरवीर थापा, कौन था, सुरवीर थापा, और एक था चौतरिया बहादुर शाह, ठीक है, चौतरिया बहादुर शाह, बहादुर शाह, ठीक। इन लोगों ने क्या कर दिया, मतलब ये सब मिलके, ये जो सैनिकों का लीडरशिप कर रहे थे या नेतृत्व कर रहे थे, इन लोगों के नेतृत्व में गोरखाओं ने क्या कर दिया, कुमाऊं पे अटैक करके 1790 में कुमाऊं के इलाके को जीत लिया, ठीक है। उसके आगे देखते हैं गढ़वाल में क्या किया। के बाद जो उनका अगला अभियान था वो था गढ़वाल विजय, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि गोरखाओं ने 1790 पे क्या किया था, कुमाऊं पे अटैक करके कुमाऊं पे कब्जा कर लिया था, ठीक। अब देखिए, जब कुमाऊं पे कब्जा कर लिया था तो अपना विस्तार ये भी चाह रहे थे, ये क्या करते थे, कुमाऊं पे अत्यधिक लूटपाट मचाया, दास प्रथा चलाई, दास बनाए, गुलाम बना के बेचा, मतलब एक प्रकार का उत्तराखंड के इतिहास में सबसे क्रूर शासन, यानी सबसे गंदा शासन, सबसे अत्याचारी शासन जो था वो था गोरखाओं का, ठीक है। सबसे गंदा, घटिया, घृणित शासन किसका था, गोरखाओं का। तो इनका अगला अभियान क्या था, ये गढ़वाल पे भी क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, ठीक है। जैसे सपोज ये उत्तराखंड का मैप है, तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से आए नेपाल से, ठीक है, ये इलाका तो जीत लिया था, अब क्या था, गढ़वाल पे, यानी उत्तराखंड के पश्चिमी इलाके पे इनको आना था, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, देखिए, जैसे वहाँ महेंद्र चंद का शासन था, आप चंदवंश पढ़ना, मैंने वहाँ भी आपको हिंट दी, ठीक है। गढ़वाल में कौन था उस टाइम, प्रद्युम्न शाह, ठीक है, कौन था, प्रद्युम्न शाह। यानी अगर आपसे ये पूछता है गोरखाओं के आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक कौन था, आप क्या कहोगे, प्रद्युम्न शाह। इनकी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, जयकृत शाह ने क्या किया, प्रद्युम्न शाह के साथ संघर्ष, प्रद्युम्न शाह उसके भाई का संघर्ष, यानी इनके दरबार में भी बहुत बुरी स्थिति थी। तो गोरखाओं को ये पता था कि हम कहीं ना कहीं क्या कर ले सकते हैं, गढ़वाल पे भी कब्जा कर लेते हैं। तो गढ़वाल पे क्या किया, इनने 1791 में पहला आक्रमण किया, यानी गढ़वाल पे गोरखाओं का अगर आपसे पूछता है पहला आक्रमण कब हुआ, आप क्या कहोगे, 1791। यानी इस पहले आक्रमण पे जब इन लोगों ने गढ़वाल के इलाके पे आक्रमण किया, तो एक जगह ऐसी थी जिसको लंगूरगढ़ बोलते हैं, उस इलाके पे गढ़वाली सैनिकों और इनका लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, कहाँ पे, लंगूरगढ़ पे, और गढ़वाली सैनिकों ने भी हार नहीं मानी और ये भी वहाँ पे क्या कर दिया, डेरा डाल दिया, कहाँ पे, लंगूरगढ़ पे। यानी आप ये देखोगे लंगूरगढ़, ठीक है, यानी इस लंगूरगढ़ पे 1792 के आसपास इनका संघर्ष जारी था, कि इनका ये आपका पवार वंश और यानी पवार सैनिक और गोरखाओं का, ठीक है। अब जब लंबे समय तक दोनों सैनिक वहीं पे डटे रहे, डेरा डाले रहे, तो इसी दौरान एक घटना हो जाती है। वो क्या घटना थी कि जो नेपाल का इलाका था वहाँ पे चीन अटैक कर देते हैं, यानी नेपाल पे चीन, तो इन सैनिकों को वापस कहाँ जाना होता है, नेपाल जाना होता है। तो जब वापस नेपाल जाना होता है, तो उसी दौरान जो प्रद्युम्न शाह था, ये भी चाहता था कि कैसे ही हम ये लंगूरगढ़ के इलाके से इनको आगे न बढ़ने दें और इसको क्या कर दें, बैकफुट में डाल दें। तो इन लोगों ने क्या किया, लंगूरगढ़ की संधि कर दी, ठीक है, किसने, गोरखा और आपका प्रद्युम्न शाह ने, ठीक है। तो इसी दौरान क्या हो जाती है, आपकी लंगूरगढ़ की संधि हो जाती है, लंगूरगढ़ संधि, ठीक है। ये थी 1792 में, अगर आपसे पूछते हैं लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी, आप क्या कहोगे, 1792 में, और ये किसके बीच थी, गोरखा और प्रद्युम्न शाह, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है, कब किसके बीच हुई थी, गोरखा प्लस पवार, ठीक है। यानी अगर आपके शासक का नाम पूछता है, प्रद्युम्न शाह आएगा, नहीं तो अगर ऐसे आता है गोरखा पवार, गोरखा चंद, गोरखा अंग्रेज, अंग्रेज पवार, कुछ भी आता है, आपको गोरखा और पवार रखना है, और पवार वंश का शासक कौन था, प्रद्युम्न शाह। तो ये लंगूरगढ़ की संधि हो जाती है, और ये लंगूरगढ़ का इलाका वर्तमान लैंसडाउन के पास पड़ता है, ठीक है। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, जो लंगूरगढ़ की संधि हुई थी 1792 में, तो ये लंगूरगढ़ कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका लैंसडाउन के पास, ठीक है, और आप सबको पता है लैंसडाउन कहाँ है, लैंसडाउन, ठीक है। इस लैंसडाउन के ही पास ही क्या है, लंगूरगढ़ है, शायद संभवतः सिंह आपका ये पौड़ी में, ठीक है। तो लंगूरगढ़ की संधि 1792 में, जब गोरखाओं के साथ ही संधि हुई, तो प्रद्युम्न शाह ने पवार राजवंश से वार्षिक कर क्या देना होगा, आपका इसको गोरखों को वार्षिक कर देना होगा, साथ ही साथ ये भी समझौते में हुआ था कि हम मतलब पवार वंश ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी गोरखों की, और एक अपना रेजिडेंट, एक अपना क्या रखना था गढ़वाल में, एक अपना सैनिक टाइप का ये रखना था, ये मान लीजिए गोरखाओं के द्वारा रखा जाना था।
जब ये सब चीज़ें हुई, जब नेपाल में चीन का इशू सुलझ गया यानी चीन के साथ उनकी बात हो गई, दोबारा से क्या कर दिया गोरखाओं ने, गढ़वाल पे अटैक कर दिया। यानी गोरखा लगातार गढ़वाल पे क्या करते रहे, अटैक करते रहे, लूटपाट मचाते रहे, उसके सीमावर्ती इलाकों में बहुत क्या करते रहे, अत्याचार करते रहे। जब गोरखाओं ने लगातार अटैक करते करते तो बाद में क्या होता है, इस अटैक के क्रम में 1803 आसपास की, क्योंकि आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है कि गढ़वाल में प्राकृतिक प्रकोप भी हुआ था, आपको मैंने सब पढ़ा रखा है कि कैसे वहाँ पे भूकंप हुआ था, कैसे वहाँ पे और भी चीज़ें हुई थी, जो प्राकृतिक प्रकोप था। तो 1803 का एक प्रसिद्ध भूकंप था, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। इस भूकंप ने अत्यधिक वहाँ क्या किया था, नुकसान पहुँचा था गढ़ राजवंश में, यानी गढ़वाल में, ठीक है। इस भूकंप से श्रीनगर में जो राजा का महल था, राजमहल था, वो तक क्या हो गया था, तबाह हो गया था, ठीक है। यानी जो आपका स्टार्टिंग में बना रखा था अजयपाल उन लोगों ने, वो महल तक भी क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था इसी भूकंप में। तो गढ़वाल की इस भयंकर तबाही ने, इस भयंकर प्राकृतिक आपदा ने गढ़वाल को क्या कर दिया, बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया, गढ़वाल को घुटनों पे ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि वहाँ भयंकर रूप से क्या हो गई थी, बाही मच गई थी इस भूकंप की। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए 1803 में क्या कर दिया, 1803 में गोरखों ने श्रीनगर पे कब्जा कर दिया, गोरखों द्वारा श्रीनगर पे कब्जा, ठीक है, ठीक। यानी गोरखों ने क्या कर दिया, श्रीनगर पे कब्जा कर दिया 1803 ईस्वी में। जब गोरखों का श्रीनगर पे कब्जा हुआ तो प्रद्युम्न शाह क्या करता, भागकर देहरादून के इलाके में चला जाता है, यानी भाग जाता है वहाँ से। और वहाँ भागने के बाद गोरखा सैनिक इसका क्या करते हैं, पीछा करते हैं प्रद्युम्न शाह का। जब गोरखा सैनिक पीछा करते हैं तो अंतिम बार एक बार फिर से वो क्या करता है, प्रद्युम्न शाह एक संघर्ष करता है किसी की सहायता से। अब वो कौन था उतना हमें ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो जब अंतिम बार वो क्या करता है, फिर से गोरखों से टकराता है, उस अंतिम बार में उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और वो जो युद्ध था वो था खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा युद्ध, ठीक है। इस खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखाओं की क्या होती है, विजय होती है। और किसकी मृत्यु होती है, प्रद्युम्न शाह की। अगर आपसे पूछता है खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, आपके होंगे 1804 में, 1804। और इसकी डेट भी अगर आपसे पूछते हैं 14th of May, यानी 14 मई 1804 को, ठीक है। यानी 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, वो किसके बीच होता है, अगर आपसे पूछते हैं आप क्या कहोगे, गोरखा प्लस प्रद्युम्न शाह, यानी जो भी ऑप्शन में आता है, यानी पवार आएगा तो पवार, गोरखा प्लस पवार, जो भी ऑप्शन आता है, तो प्रद्युम्न शाह यहाँ का शासक था और गोरखाओं के साथ, यानी पवार और गोरखा भी आ सकता है आपसे, या पवार और गोरखा, पवार और गोरखा भी आ सकता है, गोरखा और प्रद्युम्न, जो भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो खुड़बुड़ा के युद्ध में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के साथ ही गढ़वाल पे किसका कब्जा हो जाता है, गोरखों का, ठीक है, गोरखों का, गोरखों का कब्जा गढ़वाल पे का हो जाता है 1804 में। यानी जैसे 1790 में वहाँ हुआ था कुमाऊं में, गढ़वाल पे कब होता है पूछता है, तो 1804 में। इसके बाद क्या होता है, देखिए, अब ये तो निर्णायक युद्ध में था, इसका जो शासन था जब गढ़वाल में स्थापित हो जाता है गोरखा शासन, तो पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में कौन आ जाते हैं, गोरखा आ जाते हैं। और संपूर्ण उत्तराखंड में आने का मतलब 1790 में तो कहाँ आए, कुमाऊं में, 1804 में कहाँ आए, गढ़वाल में। और ये 1815 के आसपास तक इनका यहाँ शासन चलता है दोनों जगह मिला के, तो टोटल मिला के लगभग 25 वर्षों तक इनने उत्तराखंड में क्या किया, शासन किया। यानी 25 ईयर तक उत्तराखंड में कौन शासन करते रहे, गोरखा शासन करते रहे, ठीक है। अब इनका शासन इतना ज़्यादा, मतलब मैंने आपको बताया अत्याचार युक्त था, इतना ज़्यादा वहाँ पे लोगों में भय था, इतना ज़्यादा इनने यहाँ के लोगों में टैक्स लगाया, दास बना के बेचा, यानी सब काम किए, ठीक है, जितना हो सकता है, जितना मतलब किसी का शोषण किया जा सकता है अपनी जनता का, उतना इन गोरखों ने यहाँ पे क्या किया, शोषण किया, ठीक है। इसीलिए इनके शासन व्यवस्था को गोरख्याल बोला जाता है, ठीक है, गोरख्याणी या गोरख्याल। अगर आपसे गोरख्याल क्या है पूछते हैं, अगर आपसे कभी पेपर में पूछता है कि गोरख्याल क्या है, अगर उसमें ऑप्शन ये आता है कि गोरखों का क्रूर शासन, ठीक है, यानी गोरखों का अत्याचार युक्त शासन या गोरखों का घृणित शासन, तो गोरख्याल का सीधा सीधा मतलब था गोरखों का घृणित शासन, ठीक है, गोरखों का घृणित शासन, घृणित शासन, ठीक है। मैं बताऊंगा ये कैसे, मतलब घृणित कहते हैं इसको, क्या हुआ था वो हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे, जब इनका टैक्स सिस्टम देखेंगे, इनके शासन प्रशासन के बारे में देखेंगे, वो देखेंगे, ठीक है। अब सब इतना होने के बाद अब तीसरा जो था वो बचा था अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों के साथ क्या हुआ था, अब वो देखते हैं। देखो अंग्रेज, ठीक है,
अब अंग्रेज क्या हुआ था, अंग्रेज भी इस देश में विस्तारवादी नीति अपना रहे थे, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। जब अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते उत्तराखंड के तराई इलाके में, देहरादून के इलाके में, यहाँ अपना विस्तार कर रहे थे, तो इसी दौरान क्या हो रहा था, गोरखा शक्ति भी अपना विस्तारवादी नीति अपना रही थी, यानी अपना साम्राज्य फैला रहे थे। तो इनके संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, विस्तारवाद था, यानी अंग्रेज और आपका जो गोरखा थे वो अपना साम्राज्य विस्तारित कर रहे थे। इसी विस्तारवाद के कारण दोनों में क्या होना था, मतलब टक्कर होनी थी। अब इतना ज़्यादा शासन था तो इसमें वही व्यक्ति जिसको आप हर्षदेव जोशी कहते हो, वो अंग्रेजों की मदद करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों की मदद कौन करता है, हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी से अंग्रेज कहते हैं कि आप यहाँ की जनता को समझाइए, और क्योंकि यहाँ की जनता तो त्रस्त थी इनके शासन से, गोरखाओं के, यहाँ की जनता को तो जब गोरखा इतना लूट रहे थे, इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था, तो हर्षदेव जोशी की बात मानकर वो क्या करने लगे, अंग्रेजों का समर्थन करने लगे। कौन, यहाँ की जनता। तो उसी समर्थन का फायदा उठा के गोरखाओं को यहाँ से भगाने का काम कौन करता है, अंग्रेज करते हैं। और किसकी सहायता से, हर्षदेव और यहाँ की जनता की सहायता से। ठीक है, इसी के कारण, इसी हेल्प करने के कारण, इस हर्षदेव जोशी को उत्तराखंड के इतिहास में क्या कहा जाता है, अर्ल वार्विक। ठीक है, ठीक है, कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहते हैं इसको, किसको, हर्षदेव जोशी को। अगर ऐसे नहीं दिखेगा तो यहां पे लिख देता हूं सेंटर में, ठीक है, अर्ल वार्विक। ठीक है, यानी इस कुमाऊं के अर्ल वार्विक किसको कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कुमाऊं का क्या कहा जाता है इसको, अर्ल वार्विक, हर्षदेव, कहीं कहीं हरकदेव भी लिखा होगा। ठीक है, हर्षदेव जोशी, इसको कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहते हैं। और कभी कभी आपसे पेपर में ये भी पूछते हैं, किस अंग्रेज ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहा था, उसका नाम था हेनरिया क्या कहते हैं, हेरसी। ठीक है, कैप्टन हेरसी कहते हैं इसको, कैप्टन हेरसी। ठीक है, कैप्टन हेरसी, ठीक, कैप्टन हेरसी ने इसको क्या कहा था, कुमाऊं का अर्ल वार्विक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षदेव जोशी को किसने कुमाऊं का अर्ल वार्विक कहा। आप कहोगे कहोगे कैप्टन हेरसी भी आ सकता है, हेरसी भी आ सकता है। ठीक है, आप देख लेना उसको, हेरसी दिखेगा आपको क्वेश्चन पेपर में। ठीक, हर्षदेव जोशी को ये कहा जाता है क्योंकि इसने अंग्रेजों की मदद भी की थी, और अपने आप पर बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, आप देख रहे हो इसका कितनी जगह नाम आ रहा है, चंद के समय इसका नाम आया, गढ़वाल में भागता है, गोरखों को बुलाता है, फिर गोरखों को ही भगाने की कोशिश करता है, अंग्रेजों की हेल्प करता है, तो इसको कुमाऊं का क्या कहा जाता है, अर्ल वार्विक। ठीक है, अब देखिए, जब ये हो रहा था तो इन क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने सबसे पहले किस इलाके को विजिट करने का प्रयास किया, देहरादून के इलाके को। ठीक है, तो इनका सबसे पहला कौन सा अभियान आया था, दून अभियान, यानी देहरादून के इलाके को इनने जीतने का प्रयास किया। और इन दून में कब जीत पाई, 30 नवंबर 1804, ठीक है, 1814, यानी 30 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने दून पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इसके पीछे क्या कहानी थी वो बताता हूँ, सुनो। देखिए मेन कहानी क्या थी, ठीक है, जब इनने दून पे कब्जा किया तो इसमें क्या 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 कहानी थी वो आपको बताता हूँ। देखो, दोनों अपने विस्तार कर रहे थे, गोरखा भी और अंग्रेज भी, तो सबसे पहले एक नाला पानी का युद्ध लिखे आप, ठीक है, नाला पानी युद्ध। ठीक है, ये देहरादून के आसपास पड़ता था, नाला पानी का युद्ध देहरादून में हुआ था। ठीक है, नाला पानी का युद्ध, ये जो घटना थी ये थी लगभग अक्टूबर नवंबर 1814 की। ठीक है, अक्टूबर नवंबर, इसमें क्या हुआ था बताता हूँ, 1814। नाला पानी को नालागढ़ भी कहते हैं वर्तमान में, ठीक है, नालागढ़। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, अक्टूबर नवंबर 1814 के जब ये अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे दोनों, तो अंग्रेजों ने भी अपने चार अलग अलग टुकड़ियां तराई के अलग अलग इकाई मतलब भागों में भेजने का निश्चय किया। तो जो दून के इलाके में था वो उनका जो सैनिक था, मुख्य कमांडर था, वो था गिलेस्पी। ठीक है, गिलेस्पी, इसके नेतृत्व में, यानी इस गिलेस्पी के नेतृत्व में, गिलेस्पी जो भी होगा, इस गिलेस्पी के नेतृत्व में इन लोगों ने क्या किया, दून के इलाकों में अपना अभियान शुरू कर दिया गोरखों के अगेंस्ट। तो जो नाला पानी का युद्ध हुआ था अक्टूबर नवंबर 1814 के आसपास हुआ था। ठीक, इसमें क्या हुआ था, देखो जो ये नाला पानी था, यहाँ पे गोरखों के तो कुछ ही सैनिक थे, क्योंकि मेन तो कौन था उस टाइम, अंग्रेज थे शक्तिशाली। ये तो आप भी जानते हैं कि मुगलों के बाद भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ अंग्रेज ही सिद्ध हुए, ठीक है, सैन्य मामले में चाहे किसी भी मामले में। तो इस इलाके में जब गोरखों के साथ इनका संघर्ष हुआ, तो गोरखों ने एक शिविर का नाम बनाया, एक सैन्य शिविर, उसको बोलते हैं खलंगा का सैन्य शिविर। ठीक है, क्या बोलते हैं, खलंगा।
खलंगा, ठीक है अभी बताता हूँ खलंगा। और एक खलंगा क्या था, अपने आप में एक सैन्य शिविर था, ठीक है, जो गोरखों ने बनाया था, सैन्य शिविर, ठीक है, ये क्या था, एक सैन्य शिविर था जो किसने बनाया था, गोरखों ने बनाया था खलंगा। इस खलंगा को अंग्रेज कलंगा कहते हैं, उससे छोड़ दो। अब ये देखो ये खलंगा में क्या करते थे, 250-250 सैनिक थे, किसकी, गोरखों के, और ये हजारों सैनिकों को लेकर कौन पहुंच गया, गिलेस्पी। इस खलंगा शिविर में इतने सैनिकों ने इस गिलेस्पी के नेतृत्व में जो अंग्रेज सैनिक थे इनका डट कर क्या किया था, सामना किया था, यानी ये पीछे हटे ही नहीं। और जो खलंगा सैन्य शिविर था ये बनाया था बलभद्र नाम के एक व्यक्ति ने, ठीक है, जो कि बलभद्र सिंह, ठीक है, इस बलभद्र सिंह ने खलंगा का क्या किया था, निर्माण किया था, एक सैन्य शिविर था, यानी बलभद्र सिंह ने खलंगा सैन्य शिविर का निर्माण किया, तो ये गोरखाओं का था, ठीक है, गोरखा जो मेन इनका राजा था उसका कोई रिलेटिव था जो यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था, इन लोगों ने इनका डटकर सामना किया। डटकर सामना करने के बाद इस गिलेस्पी को तो दो बार इन्हें पराजित किया, और इस गिलेस्पी भी इसी खलंगा मतलब जो सैन्य शिविर था इसी के दौरान जब इस खलंगा पे अटैक कर रहे थे, यानी जो नालापानी का युद्ध था इसमें इसकी गिलेस्पी की भी क्या हो गई थी, अक्टूबर लास्ट में इसकी मौत हो गई थी, यानी इसको मार दिया गया था। जब मार दिया गया था तो बाद में क्या करते हैं अंग्रेज लोग, बमबारी करके इस खलंगा जो शिविर है इसको क्या करते थे, तबाह कर देते हैं। और ये घटना थी 30 नवंबर 1814 की, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है खलंगा सैन्य शिविर को कब तबाह किया गया, 30 नवंबर 1814, खलंगा जो देहरादून के पास बनाया गया था सैन्य शिविर वो किसने बनाया था, बलभद्र सिंह ने बनाया था। खलंगा को किस युद्ध के दौरान तबाह किया गया था, नालापानी युद्ध के दौरान। और खलंगा युद्ध में किसकी विजय हुई थी, फाइनली अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक है। यानी इसके बाद अंग्रेजों ने दून पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इस खलंगा के जितने सैनिक थे, जितनों ने इसका मतलब सामना किया अंग्रेजों का, उसको अंग्रेज जो है अंग्रेज लेखक अंग्रेज इतिहासकार भी इस खलंगा के सैनिकों का क्या करते हैं, मतलब उनकी जो वीरता थी उसका गुणगान करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जब गिलेस्पी मारा गया, दून पर इनका कब्जा हो गया, तो उसके आगे क्या होता है देखिए, तो ये यहीं पे कुछ एक जगह पड़ती है, उसमें एक जगह का नाम है सूरगढ़ और दूसरे नाम का मलावगढ़, ठीक है। एक का नाम था सूरगढ़, एक का नाम तो था सूरगढ़, दूसरे का नाम था मलावगढ़, ठीक है, मलाब या मलावगढ़ जो भी है, ठीक है। इस मलावगढ़ और सूरगढ़ पर भी किसका कब्जा होता था, अंग्रेजों का। और ये घटना थी 1815 की, ठीक है, यानी जनवरी 1815 के आसपास है। वो सब छोड़ दीजिए, ये नॉर्मल सा मतलब वहाँ पे कोई फैक्ट था, ये पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, ये कब कब्जा किया। तो अंग्रेज अपना कब्जा करते करते इतनी जगह पहुँच गई, यानी गढ़वाल के मुख्य इलाकों में, दून पे जब कब्जा कर लिया तो पहाड़ी इलाकों पे तो फिर वो कब्जा कर ही लेते आते बढ़ते बढ़ते, ठीक है। यानी यहाँ कब्जा करने के बाद अब उनका असली टारगेट था कि वो कुमाऊँ पे जाएँ, ठीक है। यानी कुमाऊँ पे तो पहले से ही कुमाऊँ की जनता त्रस्त थी गोरखों के शासन से, क्योंकि कुमाऊँ गढ़वाल में जब गोरखा आए उससे पहले तो कुमाऊँ में शासन रहे थे, तो वहां की जनता त्रस्त थी। तो हर्षदेव जोशी की सहायता से इन लोगों ने क्या किया, कुमाऊं पे भी कब्जा किया, किसने, अंग्रेजों ने, और वहां से गोरखों को भगाया, ठीक है। इसमें सबसे पहली घटना आप लिखिए, गणनाथ डांडा युद्ध, गणनाथ डांडा युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ था, 23 अप्रैल 1815, ठीक है। इस गणनाथ डांडा के युद्ध में गोरखों का जो मुख्य सेनापति था हस्तीदल चौतरिया, हस्तीदल चौतरिया, ठीक है, ये मारा गया। यानी हस्तीदल चौतरिया की क्या होगी, मृत्यु होगी। यानी अंग्रेजों ने गणनाथ डांडा युद्ध को क्या कर लिया, विजित कर लिया। अगर आपसे पूछता गणनाथ डांडा युद्ध कब हुआ था, आप कहोगे 23 अप्रैल 1815। गणनाथ डांडा युद्ध में किसकी विजय हुई थी, अंग्रेजों की। गणनाथ डांडा युद्ध में किसकी मृत्यु हुई थी, हस्तीदल चौतरिया की, ठीक है। जब गणनाथ डांडा युद्ध हुआ तो उसके बाद जब यहाँ पे इनका एक शासक था कुमाऊँ पे शासन कर रहा था, जो कुमाऊँ पे शासन करने वाला शासक था उसका नाम था बमसा। कौन था, बमसा। इसने भी क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। और ये था 27 अप्रैल की घटना, ठीक है। यानी बमसा द्वारा 27 अप्रैल, क्योंकि इसको पता आभास हो गया था अंग्रेजों की शक्ति का, ठीक है। बमसा द्वारा 27 अप्रैल 1815 को आत्मसमर्पण कर दिया गया, ठीक है। यानी इसने घुटने टेक दिए, ठीक है।
ठीक, आत्मसमर्पण करते हैं 27 अप्रैल 1815 को। जब बमसाह 1815 में आत्मसमर्पण करता है तो उसी दौरान ये जो कुमाऊं पे होता है अंग्रेजों का मुख्य अधिकारी, उसका नाम था गार्डनर, गार्डनर के साथ समझौता कर देता है कि हम कुमाऊं और गढ़वाल के इलाके को बाद में हम छोड़ देंगे, ठीक है। यानी गढ़वाल के गार्डनर के साथ ही क्या कर देता है, समझौता कर देता है कि हम लोग बाद में यहाँ से चले जाएंगे, यानी कुछ समय बाद हम कुमाऊं और गढ़वाल के इलाके को छोड़ देंगे। अब ये तो छोड़ देता, लेकिन साथ साथ ही एक और घटना हो रही थी। जो इनका एक मुख्य सैनिक था, सेनापति था, उसका नाम था अमर सिंह थापा, ठीक है, अमर सिंह, इसके साथ अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा था। तो अमर सिंह थापा के साथ जब अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा था, अंग्रेजों ने एक इसके साथ युद्ध लड़ा था, ठीक है, उसने युद्ध लड़ा था। उस युद्ध को जीतने के बाद इसके साथ एक संधि की, उस संधि का नाम था मालावगढ़ की संधि, मालावगढ़ की संधि, ठीक है, मालावगढ़ की संधि। ये कब हुई थी, 15 मई 1815 के आसपास, ठीक है। यानी 15 मई 1815 के आसपास इस अमर सिंह थापा के साथ, जैसे पहले तो बमसाह था उसने काम छोड़ देंगे, तो अमर सिंह थापा भी था, अमर सिंह थापा यहाँ पे अभी चल ही रहा था, ठीक है। इसने मलावगढ़ की संधि की अंग्रेजों के साथ 15 मई 1815 को। आपसे पूछता है मलावगढ़ की संधि किसके बीच हुई, अमर सिंह थापा और गार्डनर के बीच, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी गार्डनर ही था उस टाइम मुख्य, ठीक है, कौन था, गार्डनर, यानी अंग्रेज जो भी होगा वहाँ पे, वैसे गार्डनर नहीं था, अंग्रेजों का मेन तो अधिकारी गार्डनर था, जैसे अंग्रेजों का अधिकारी गार्डनर था, अंग्रेजों के अधिकार मतलब जो गार्डनर था उसने किसी को भेजा था, यानी इनका जो मुख्य था उसका नाम था अख्तर लोनी, ठीक है, इसका नाम आप यहां पे लिख दीजिए, क्या, अख्तर लोनी, ठीक है, यानी मेजर जनरल अख्तर लोनी था ये किसने भेजा था, गार्डनर ने भेजा था, ठीक है। जैसे जो गार्डनर तो मुख्य था यहाँ पे इनका, उसने क्या भेज दिया, मेजर जनरल अख्तर लोनी को भेज दिया। अख्तर लोनी से ये कहा कि आप मलावगढ़ की संधि कीजिए, किसके साथ, अमर सिंह थापा के साथ। और ये जो घटना थी ये कब थी, 15 मई 1815 की, ठीक है। यानी इसके साथ ये घटना और थी, मेजर जनरल अख्तर लोनी के साथ ये संधि हो गई थी, किसकी, गोरखों की संधि हो गई थी। और अमर सिंह थापा ने इस बात के लिए हामी भर दी कि हम जो काली नदी है और जो सतलज नदी है वहाँ जितने इलाके में गोरखाओं ने अपने गढ़ स्थापित किए हैं या गढ़वाल के इलाके में जो किए हैं उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। वो छोड़ देंगे कहने, ये तो अमर सिंह थापा ने जैसे कहा था कि हम छोड़ देंगे, जैसे वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि बमसाह के बाद अमर सिंह थापा ने ये कहा कि हाँ हम कर लेंगे, यानी पुष्टि कर दी थी कि हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये घटना जब हुई, ये बात की घटना थी। इसके बाद क्या होता है, जब ये चले जाते हैं, बाद में नेपाल सरकार मुकर जाती है संधि के, इस संधि से जब मुकरती है तो होता क्या, संधि से मुकरने के बाद अंग्रेज दोबारा उस पर अटैक करने की सोचते हैं। जब अटैक करने की फिराक आती है तब नेपाली शासक डर जाता है और फिर से उसके साथ संधि की पुष्टि करता है। उस संधि की पुष्टि को बोला जाता है सिंगौली की संधि, क्या बोला जाता है, सिंगौली की संधि, ठीक है, सिंगौली संधि। यानी इस सिंगौली संधि से कब हुई थी, लगभग इसकी पुष्टि 4 मार्च 1816 को, ठीक है। इस सिंगौली की संधि या सुगौली जो भी आएगा आपके पेपर में, ठीक है, सुगौली भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज मत होना, वहाँ सुगौली भी लिखा हो सकता है, सिंगौली जो भी लिखा होगा, 4 मार्च 1816 को जो अमर सिंह थापा या बमसाह इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ डील की थी उसकी पुष्टि कर देती है नेपाल सरकार, ठीक है। और अंग्रेजों को पूरा कुमाऊं और गढ़वाल का इलाका क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। अब सुगौली की संधि के क्या प्रावधान थे, आपको इतना जैसे वन लाइनर है, वन डे एग्जाम है, उसके लिए कोई इतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये सुगौली की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड PCS वगैरह के लिए, ठीक है, मेन से के लिए कभी कभी पूछ सकता है सुगौली की संधि किनके मध्य हुई थी और इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, वहां लिखने में जो आते हैं। अब इतना अभी आपको जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मेनली आप ये समझ लीजिए कुमाऊं और गढ़वाल के इलाके से ये लोग क्या होके चले गए, कौन, गोरखा, और पूरे कुमाऊं गढ़वाल पे किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का, ठीक है, किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का। और जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो इनका प्रथम कमिश्नर यहां पे आपको देखने को मिलेगा, वो था गार्डनर। इनने यहां अपना कुमाऊं कमिश्नर बना के रख दिया, किसको, गार्डनर को। यानी गार्डनर कुमाऊं का क्या बन गया, पहला कमिश्नर, कुमाऊं का फर्स्ट क्या हो गया, कमिश्नर हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, गार्डनर, यानी गवर्नर जनरल ने कहा आप कमिश्नर का क्या संभालिए, पदभार संभालिए। अगर आपसे पूछते हैं कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, गार्डनर। और इसकी सहायता के लिए ट्रेल को इसका क्या बनाया गया, सहायक बनाया गया, ठीक है। बाद में ये भी गवर्नर बनेगा, ट्रेल कौन था, इसका सहायक था। और इसका नाम क्या था पूरा, GW ट्रेल, ठीक है, GW
ट्रेल इसका क्या था, सहायक था। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन बनाया गया, गार्डनर। इसी के साथ यहाँ पे गोरखाओं का क्या हो जाता था, शासन समाप्त है। ठीक, अगले पार्ट में हम देखेंगे गोरखाओं की शासन प्रणाली क्या थी, इनने कैसे यहाँ पे अत्याचार किया, कौन सा टैक्स लगाया, न्याय प्रणाली क्या थी, उससे आपका क्वेश्चन आता है। देखिए थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन भी रहता है आपकी किताबों में, अलग अलग लिखा है। ठीक है, जहाँ पे मैं मलावगढ़ की संधि कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मलावगढ़ की संधि। ठीक है, मलावगढ़ संधि। ठीक, इस मलावगढ़ की संधि में कौन कहा, मैंने अमर सिंह थापा और गार्डनर कहा ना, और ये कब बता रहा हूँ मैं, 15 मई 1815, ये लिखा है यशवंत कठौज की किताब में। ठीक है, यशवंत कठौज जी की किताब में मलावगढ़ की संधि अमर सिंह थापा और किसके मध्य लिख रखी है आपका, ये अंग्रेजों के मध्य, जो कि गार्डनर था। ठीक, कौन कौन, एक तो था अमर थापा यानी गोरखा, और यहाँ कौन था, गार्डनर था अंग्रेज। ठीक है, इनके मध्य हुई थी। कहीं कहीं आपको कि इसके तहत क्या हुआ था, मैंने बताया कि कुमाऊं और गढ़वाल का इलाका सौंपने के लिए डील हुई थी, किसको, अंग्रेजों को। और कहीं कहीं मलावगढ़ की संधि को आप नाम देखोगे, क्या देखोगे, सुगौली की संधि या सिंगौली की संधि। ठीक है, सिंगौली संधि, आप दोनों नाम लिख देना अलग अलग जगह। ठीक है, मतलब अगर आप सिंगौली संधि लिख रहे हो तो कहीं साइड में ये भी लिख लेना, कभी पता नहीं क्या पेपरों में पूछ दे, कोई नहीं जानता इसको। ठीक है, तो सिंगौली की संधि भी लिखा, और उसकी डेट क्या लिख रखी है, 28 अप्रैल। ठीक है, 1815, यानी सुगौली की संधि 28 अप्रैल 1815 लिख रखी है, और उसमें ये कहा गया है कि अंग्रेजों और गार्डनर, मतलब गार्डनर और अमर सिंह थापा था, उसके बीच संधि हुई थी सुगौली की 28 अप्रैल 1815 को, और उसके तहत डील हुई थी कि हम कुमाऊं गढ़वाल का इलाका किसको दे देंगे, अंग्रेजों को, और गोरखा यहाँ से चले जाएंगे। और कहीं लिखा है मलावगढ़ की संधि हुई थी अमर सिंह थापा और गार्डनर के बीच, और उसकी डेट दे रखी है 15 मई 1815 को, और उसमें कहा गया कि कुमाऊं गढ़वाल को हम अंग्रेजों को दे देंगे, हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। अब दोनों में कंफ्यूजन है, आप क्या करना, आप जो एग्जाम में आता है उसके अकॉर्डिंग सुटेबल आंसर लगाना। ठीक है, खाली सुगौली की संधि आती है तब तो आप ये कर देना। ठीक है, अब डेट ये भी आ सकती है, ये भी आएगी, अब जो भी डेट आएगी है तो 1815। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, जो इस सुगौली की संधि है इसको मानने से क्या कर दिया था, उसने इनकार कर दिया था, किसने, मतलब जो आपका ये थे नेपाल सरकार। इसकी जो पुष्टि होती है, पुष्टि तो वही है। ठीक है, 4 मार्च जो मैंने अभी बताया आपको, 1815, यानी अगर सॉरी 1816, यानी इतने को ये पुष्टि हुई थी, 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि की पुष्टि ये हुई थी, और हुई कब थी ये, अगर ऐसा आता है। ठीक, अब जो है मैंने अपनी ओर से जो मैंने निष्कर्ष लगाया, मुझे क्या लगता है, अब मैं कंफर्म तो हूँ नहीं, जैसा किताब में लिखा होगा मैंने भी वही पढ़ा, संभवतः ऐसा हो सकता है। देखिए, अमर सिंह थापा के साथ इनने कहाँ संधि की होगी, मलावगढ़ में संधि की होगी अंग्रेजों ने। ठीक है, मलावगढ़ में जब संधि की होगी, ऐसा ऐसा होगा करके, उसके बाद जब अंग्रेज, उन्होंने नहीं माना होगा गोरखाओं ने, तो जब अंग्रेज दोबारा वहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार होंगे, तो उसी दौरान नेपाल सरकार बैकफुट पर आ गई होगी, और सुगौली पर दोनों बैठे होंगे, नेपाल सरकार और अंग्रेज, और सुगौली नामक स्थान पर उस संधि को कन्फर्मेशन मिल गई होगी, ऐसा हुआ होगा संभवतः। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो आता है उसी हिसाब से आप क्या करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, अगले वीडियो में हम इसका क्या देखें, और पार्ट देखेंगे। थैंक यू।